इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बदुनवानी और चोरी में सरे फहरिस्त, FIA की तहकीकात मुकम्मल, 26 मुकदमा दर्ज, रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को इरसाल। आइस्को के खिलाफ 19 केसेस दर्ज किए गए हैं। OGDCL के खिलाफ 3 केसेस रजिस्टर्ड हैं। FIA की जानिब से कहा गया, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बदुनवानी और चोरी में सरे फहरिस्त है। FIA की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है, जबकि 26 मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइए, रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को इरसाल कर दी गई है? हाँ जी, देखिए, बिजली चोरों के खिलाफ FIA की जानब से पावर सेक्टर में मुबीन करप्शन और अख्तराब के नजायज इस्तेमाल पर जो तहकीकात की गई है, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो FIA की जानब से तैयार कर ली गई है और रिपोर्ट जो है ये वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को अरसाल की जाएगी। ये ज़राए की जानब से बताया गया है। पहले मरहले में जो है वो अब तक मजमूई तौर पर 26 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड किए हैं, जबकि 4 इंक्वायरियां जो है वो जेर तफ्तीश है। FIA में आयस्को के खिलाफ 19 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं। FIA की तहकीकात में ये बात पता चली है। इसके अलावा OGDCL के खिलाफ FIA में 3 केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हैं। FIA ने 26 केसेस में अभी किसी भी मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें यह बताया गया है ये तमाम इंक्वायरियाँ करप्शन और बिजली चोरी और अख्तराब से तजावज पर की जा रही हैं और ये केसेस जो हैं साल 2023 और 2024 की जो है वो रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। जो रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी जाएगी है। और इसके अलावा ये केसेस के बारे में ये बताया गया है कि इन लोगों के खिलाफ मजीद भी जो है FIA जो है तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया गया और साथ ही साथ स्पेशल टीमें जो हैं वो भी तहकीकात को खुद जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। जी ठीक है, आदिल तनोली हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बदुनवानी और चोरी में सरे फहरिस्त है। रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है, जबकि आइस्को के खिलाफ 19 केसेस दर्ज किए गए हैं। OGDCL के खिलाफ 3 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं।